मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। और पंडित का मतलब है पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। मैं सबों से प्यार करता हूँ। और पंडित का एक दूसरा भी श्लोक से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी परिभाषा। मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्चति स पंडिता। और प्यारे दोस्तों, वैष्णव जन भी इससे जुड़ जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीरी पढ़ाई जाने रहे सो एंड सो फोर्थ। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आप आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण मान सकते हैं। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। उनके विचारों को अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें यही कहा गया है कि सारी जीवात्माओं को अपनी आत्मा की तरह उसकी भावना का कदर करना चाहिए और दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। और समर्पण के लिए बहुत जरूरी है कि आप काबिल बनिए, बहुत ही उपयोगी बनिए, बहुत ही सामर्थ्य बनिए कि मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके। ऐसे अनेक महापुरुष इसी बात को बार बार दोहराए। एक भारतवर्ष के महान व्यक्ति भारतीय मॉन्क जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था जीना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता है। और एक कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी नहीं कहा था, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। प्यारे दोस्तों, जीवन का अर्थ होनी चाहिए कि अपना काबिल होशियार समझदार बनिए और ये मानवता के मस्तिष्क में जो क्राम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह नफरत नाराजगी का मकरे का जाल है, राहु केतु से उसको ग्रहण किया है, उसको चीर के फेंक दीजिए। उसके जीवन में रोशनी लाइए सत्य का, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम के प्रभाव में बहाते हुए मनुष्य को विश्व शांति के लिए तैयार कीजिए। विश्व शांति नहीं है, सत्ताधारी पुतिन हो, जेलेंस्की हो, नेटो हेड्स हो, ये अहंकारी दुराचारी एटम बम से दुनिया को जलाने की कोशिश करते हैं। मैं इनको सिखाना चाहता हूँ और बड़े छाती चौड़ा करके, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहे थे कि सीना चौड़ी करके मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना के बारे में डिबेट करना चाहता हूँ, तो मैं भी आपको पूरा सीना चौड़ा करके बताना चाहता हूँ कि मैं सचमुच दुनिया से प्यार करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम सर्वबंधु सुखना, आत्म सर्वभूतेषु मेरे जीवन का सांस है, धड़कनों में बसती है। और सबों को यही प्रेरणा से उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मन्नाडीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमें सुनाए थोड़ा। खुद गरज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल पढ़ाई के लिए। तो आइए ये मन्नाडी के स्वर में एक दो चार लाइन सुनाता हूँ आपको। बादल फिल्म से लिया गया है। ये 50s का गाना है जिसे संजीव कुमार ने गाए थे। और ये गाना हमारे क्रीम हेल्थ सर्विसेज PMRI जीवी के फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए तुझे दिल दमन के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना ही जीवन है भाई, अपने लिए तो स्वार्थ ही लोग ही लालची पशु प्रवृत्ति के लोग जीते ही है, दूसरों की भलाई के लिए जीना भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए मेरे दोस्त।
थे जमाने के, कुछ भी हम खरीदेंगे बाजार से जमाने के, कुछ भी ना हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, खुशी कमाने के लिए, अपने लिए। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ एक प्रशिक्षक हूँ। प्रेरणा का स्रोत बन के लोगों में उपयोगिता के लिए उन्हें संकल्प लेने से सिद्धि तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।